हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश की चैप्टर टू का पोएम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर टू का पोएम क्या है? दी काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम में से हर कोई पतंग उड़ाना पसंद करता है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी किसी एक पतंग को उड़ाया है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाई इन द स्काई। चलो अब इस पोएम को आपको पढ़ना है, जो कि इसके बारे में, जो पतंग एक फ्लाई करती है आसमान में, जो उड़ती है, उसके बारे में। How bright on the blue is a kite when it's new? यहाँ पे बोलता है how bright, मतलब कितना bright होता है, कितना चमकता है। On the blue, blue यहाँ पे sky को बोला गया है। On the blue is a kite, एक पतंग, when it's new, जब यह नई रहती है, यानी जब एक पतंग जो है, एक kite जब new रहती है, बिल्कुल नई रहती है, जब वो blue आसमान में उड़ती है तो कितना ज़्यादा bright रहती है। With a dive and a dip, it snaps its tail. Snap मतलब जो फड़फड़ाना होता है, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। विद अ डाइव, या डाइव करती है, एंड डीप, और डीप में चली जाती है, यानी आसमान में। अभी बोलना चाहता है कि आसमान में डाइव करते हुए डीप में चली जाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और उसके बाद अपना जो पूंछ होता है, इसका टेल जो होता है, उसको स्नैप करती है। जैसे एक क्या होता है, अपना काइट होता है, ठीक है, एक काइट होता है, तो यहाँ पे जो पूंछ रहती है, उसकी पूंछ ऐसे ऐसे क्या करती है, स्नैप करती है, ठीक है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सोर्स का मतलब होता है, सोर्स मतलब होता है कि बढ़ना या चढ़ना बोल सकते हैं, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं ऊंची उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरना, ठीक है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, उसके बाद जो जो काइट है वो सोर करती है, सोर मतलब ऊंची उड़ान भरती है, लाइक या ऊपर बढ़ जाती है, ऊपर बढ़ जाती है, लाइक अ शिप, एक शिप की तरह, विद ओनली सेल, जिसमें कि ओनली सेल लगा होता है। अब सेल क्या होता है, हमें देखते हैं। तो दोस्तों देखो, सेल क्या होता है, वैसे नॉर्मली शिप जो है, कॉमर्शियल शिप जो होती है, यानी जो एट सी चलती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं सेलिंग वेसल, समझना चीज को, सेलिंग, एक हो गई सेलिंग वेसल, ठीक है, और दूसरी होती हैं कि पीडी वेसल, पीडी वेसल, ठीक है। पीडी वेसल मतलब इसका फुल फॉर्म होता है पावर ड्रिवन, पावर ड्रिवन, पावर ड्रिवन वेसल, ठीक है। अब सेल क्या होता है, नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा, बोट जो होती है, पहले जो बोट होती थी ना, उनमें कपड़े जैसा कैनवस का ऐसे लगा होता है, ठीक है, एक डिफरेंट डायरेक्शन पे लगे होते हैं, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है, यही जो लगा रहता है बोट में, इसको हम सेल बोलते हैं। एक क्या इसका काम क्या होता है, नॉर्मली ये देखो लगा रहता है, कैनवस का रहता है, तो विंड का, इसमें विंड का यूज करते हैं, यानी विंड जब आती है उसी डायरेक्शन, उसी हिसाब से में हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आप जान गए, शिप जो होती है दो टाइप की होती है, वेसल दो टाइप की, एक सेलिंग वेसल होती है, एक दूसरा पावर ड्रिवन वेसल होती है। सेलिंग वेसल यानी सेलिंग वेसल आप समझ जाना कि उसमें कोई भी पावर का इस्तेमाल, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता। और देखो ये भी देखो, इसमें कई सारे लगे हुए हैं, ये सब क्या है, सेल है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक वेसल है। ये कौन सी वेसल है, यहाँ पे किसी कहीं पे कपड़ा कुछ कैनवास जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिस इज पावर ड्रिवन वेसल। पावर ड्रिवन वेसल मीन्स पावर से चल रही है, या इसमें मशीनरी का इस्तेमाल, मशीनरी का यूज हो रहा है, ठीक है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, आगे बोलता है कि देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड, यानी कि जिस प्रकार एक सेलिंग वेसल जो है एक टाइड के ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार ये विंड पे चढ़ती है, विंड के ऊपर, ऑफ विंड इट राइड्स, विंड पे जो है, विंड जैसे आता है ये ऊपर की तरफ राइड होती है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये टाइड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टाइड है, ठीक है, ये टाइड दिख रहा है, टाइड जैसे। अब जैसे ही टाइड पे क्या करती है, जो बोट रहती है पानी पे चलती है, सरफेस पे चलती है, तो पानी का सरफेस जैसे ऊपर, टाइड का मतलब जो हाइट होता है, या तो ऊपर हो जाता है थोड़ा नॉर्मल लेवल से, या तो नीचे हो जाता है, जो ऊपर जाता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे जाता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट पे जैसे ही ये जाता है, इस प्रकार थोड़ा सा पानी का छिटका ऐसे निकलता है, पूरा पानी का छिटकारा ऐसे निकलता है, तो मीन्स ये जो बोट है ये ऐसे जाती है, ठीक है, फिर ऐसे उतर जाती है ट्रक के आने से। तो सेम इसी प्रकार जो है कि, और अब यहाँ पे जैसे आप देख लो, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये टाइट दिख रहा है ना पूरा, ये तो वेव्स पे क्या करते हैं, सेलिंग वेट। अब जैसे ही इस पर देख रहे हो आप, चढ़ेगी जैसे ऊपर आती है, तो पानी का छिटकारा ऐसे निकलता है, फिर ये नीचे, अब जैसे ऊपर चढ़ के ऊपर थी, अब जा रही नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो काइट होती है वो भी विंड के थ्रू, जैसे विंड को पाती है ऊपर की तरफ राइड होती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। आगे बोलता है कि जो काइट होती है, क्लाइम टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब एकदम ऊंचाई पे चली जाती है, ऑफ अ गस्ट,
एंड पुल्स, यानी एक ऑफ गस्ट जैसे ही मतलब थोड़ा सा बढ़ता है तो क्लाइम टू द क्रेस्ट ये ऊपर चली जाती है, एंड पुल्स जब ऊपर जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं इसको पुल करते हैं, खींचते भी है ना, जैसे कि हम थोड़ा सा गस्ट मतलब होता है थोड़ा सा पावर इंक्रीज करना, थोड़ा सा ताकत लगाना, यानी जब हमको पुल करना होता है थोड़ा सा ताकत लगा के इसको पुल करते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल, और जैसे ही विंड ब्लो होना बंद हो जाती है ये रेस्ट में आ जाती है। व्हेन स्टिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। आगे बोलता है when sting goes like, जब sting जो होती है, sting यानी कि धागा जो लगा रहता है kite का, जब वो slack हो जाता है तो ये क्या करती है you wind it back, ये normal नीचे आने लगती है, तो you wind it back and run until a new breeze blows। और हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जब ये slack हो जाती है तो पतंग नीचे जाने लगती है, तो उस time हम क्या करते हैं कि run करते हैं, दौड़ते रहते हैं जब तक कि इसको एक नया हवा का झोंका ना मिल जाए, मतलब फिर से विंड ना आ जाए। एंड इट्स विंग फील, और जैसे ही विंड आती है इसका विंग जो है फील हो जाता है हवा से, एंड अप इट गोज, और फिर से उड़ना स्टार्ट कर देती है, ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट विन इट्स न्यू, कितना अच्छा लगता है जब एक न्यू काइट, एक नई पतंग ब्लू स्काई में चमकती है। बट हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट विन इट्स, यानी कि जब एक काइट होती है न्यू होती है तो आसमान में बहुत ही ब्राइट दिखती है, कितना ब्राइट दिखती है, ठीक है। बट रेजर thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। आगे बोलता है कि but a danger thing, मतलब एक बहुत ही खराब बात इसमें होती है, क्या कि you will never will see, आप इसे कभी नहीं देख पाओगे, when it flaps on a string, जब इसका string जो होता है flap हो जाता है, हाँ सॉरी यहाँ पे फ्लैप का मतलब है जो पतंग को यहाँ पे बोला गया, ठीक है। यानी कि आप एक इसी सबसे बुरी चीज़ क्या होती है इस पतंग की, इस काइट की, कि जब ये अब जब ये किसी पे ट्री में, टॉप ऑफ द ट्री यानी कोई पेड़ है वहाँ पे चली जाएगी, तो अगर इसका जो स्टिंग है वो उसमें बच गया, यानी कि उसमें फंस गया थोड़ा सा, या पतंग फंस गया, उसके बाद आप इसको कभी नहीं पा पाओगे या कभी नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसके द्वारा लिखा गया है हैरी बेन, ठीक है।